हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स का। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पे बात कर लिया और ढेर सारे बेसिक्स क्वेश्चन जरूर किए हैं। तो हम थोड़े से अपने लेवल को अप करते हुए दूसरे क्वेश्चंस के सेट्स लेकर आ गया हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन सबसे पहले करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/4 to the power 8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 to the power 5 you have to solve. And second question, let's write the second question as well. 5/7 to the power 5 and multiplied by 5/7 to the power -6. Although these questions are very easy, बच्चे आप कर सकते हो, बहुत आसान है, है ना, बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो भैया, देखो बेसिस सेम है क्या, बेसिस नहीं सेम है सर। तो सर बेस सेम करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसके पावर्स को क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो बेस सेम हो जाएगा। दिख रहा है आपको, आई गेस आपको दिख रहा है सबको, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे देखो बेटा, 3/4 and to the power 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 to the power -5। कैन वी राइट लाइक दिस, देयर आफ्टर वी हैव बेसिस आर सेम, एक्सक्यूज मी, ओके, सिंस द बेसिस आर सेम नाउ, तो हम क्या कर सकते भैया, पावर को सीधे सीधे ऐड कर सकते। तो ऐड क्या, बेसिकली ये सब्सट्रैक्ट ही होने वाला है, क्योंकि पावर्स इनमें कैसे हैं, 8 - 5 है, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा 3/4, एंड 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है। और आप इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, वरना यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, तो दूसरा में क्या है, देखो बच्चा बेसिस ऑलरेडी सेम है, तो 5/7 एंड बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड। बट ऐड करते वक्त यहाँ पे हमारा माइनस ऑलरेडी 6 है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेप्स को आपको दिखा दूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पे, मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। 8+-5 था बेटा, एंड तो इसको सॉल्व किया तो 8 - 5 आया, और इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा वो स्टेप छोड़ने जैसा कुछ, मतलब ऐसे बताने जैसा खास था नहीं, बट ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 6 एंड दैट्स गिव्स यू 5/7 and to the power -1 क्या मिला बच्चा, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7/5 हो जाएगा, और पावर हमारा 1 का पावर लिखने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ईजी था ये, बहुत ईजी रहा होगा उम्मीद करता हूँ। बट अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हम लोग, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चंस। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, कि आपको सबको बॉर्ड मास तो आता ही होगा उम्मीद करता हूँ, आप इस क्लास में या ये कर रहे हैं तो इतना तो बॉर्ड मास आपको आता ही होगा, ओके। -3 × -3/5 to the power 6 एंड होल में डिवाइड बाय 2/3। मैंने तीन जगह फ्रैक्शन तीन तरीके से लिखा है, एक बार आधे में, एक बार वैसे में, एक बार वैसे में, कोई बात नहीं। चल क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, देखते हैं, पॉसिबिलिटीज खंगालते हैं अपनी। तो देखिए, इन दोनों को आपस में तो सॉल्व करने की कुछ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही मुझे, बट कोई नहीं, हमें तो करना है तो करना है। तो यहाँ पे -2/3 है, तो इसको हम पॉजिटिव में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 है ना। और यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ किया ही नहीं जा सकता है, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं दिख रहा है, इन आपस में दोनों का कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम इसको फ़िलहाल मिटा ही देते हैं, कोई करने का फ़ायदा तो है नहीं। हम इसमें होल में इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो मैं लिखता हूँ, ज़रा ध्यान देखना, 2/3 whole to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई -3/5 whole to the power 6 डिवाइड, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चा, 2/3 whole to the power 5। अब ध्यान देना, दोनों के बेसिस सेम है, माइनस प्लस का सिर्फ थोड़ा फर्क है ना, तो माइनस का थोड़ा सा ख्याल रख लेना होगा हमें, ओके। और बाकी इसके साथ इसको आप साइड छोड़ देते हैं, तो ध्यान से देखो, ठीक है, जब माइनस से कोई चीज़ डिवाइड होता है तो एक माइनस तो माइनस दे देता है, ठीक है, ये याद है आपको, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस ही होता है, डिवीजन में भी ये रूल फॉलो होता है। तो 2/3 एंड ऊपर में -3 है, और डिवीजन में क्या हो जाता है, पावर्स माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई -3/5 to the power 6। यहाँ तक में कोई परेशानी,
यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू और माइनस थ्री मिल के माइनस टू अपॉन थ्री होल टू द पावर माइनस एट हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री अपॉन फाइव होल टू द पावर सिक्स आ चुका है। देखो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं गए, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं कि सबको एक्सपेंड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो सबको एक्सपेंड करते हुए क्या हम लिख सकते हैं, माइनस टू टू द पावर एट, माइनस एट माफ़ करना, और वन अपन थ्री, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो ज़रा पहले। इन दोनों को मैंने एक्सपेंड करके लिखा, मतलब क्या लिख कर रहा हूँ मैं, टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई थ्री क्या होगा, टू अपन थ्री, तो उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस थ्री है, तो एक माइनस हमने इसको दे दिया है, तो ऑलरेडी एक माइनस देने का मतलब है नहीं, एक माइनस हमने बाहर कर दिया है, ओके, ऑलरेडी दो माइनस है तो ऐसा भी होने ही वाला है, कहानी खत्म इसका, और इवन टाइम ही माइनस है हर जगह। तो उसके बाद माइनस थ्री टू द पावर सिक्स, एंड उसके बाद बच्चे वन अपॉन फाइव टू द पावर सिक्स, ठीक है। अब देखो टू का तो कोई फैक्टर है नहीं, और टू इवेंट माइनस में ही है ना, और ये इवेंट टाइम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टू अपॉन टू टू द पावर माइनस एट आएगा। अब देखो थ्री के साथ खेल है थोड़ा, ये थ्री रिसिप्रोकल होने वाला है, तब जाके ये प्लस थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एट आ जाएगा, थ्री टू द पावर एट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी माइनस इवेंट टाइम से, या दो माइनस ये और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाता, बट कोई नहीं, हमने ये कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू द पावर सिक्स, इवन टाइम माइनस इवन टाइम ही देगा, है ना। अब देखो यहाँ दोनों वैसे सेम हैं, और माइन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये भी है, और इसको हम फाइव टू द पावर माइनस सिक्स लिख सकते हैं, हमारे हम ऊपर लिखना चाहते हो नहीं तो नीचे छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए टू टू द पावर माइनस एट, और उसके बाद क्या बच्चे, थ्री और एट, एट सिक्स कितना हो जाएगा बच्चा, एट और सिक्स फोर्टीन, तो थ्री टू द पावर फोर्टीन एंड और फाइव टू द पावर माइनस सिक्स, दैट्स ऑल। थोड़ा लंबा जोड़ था बट आई गेस आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगे। तो बालको देखो यहाँ पे है ना, माइनस टू अपॉन थ्री होल टू द पावर, ये है क्वेश्चन, कहाँ चला गया भाई, हाँ यहाँ पे, एंड उसके ऊपर है माइनस टू और उसके ऊपर है माइनस वन, तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, आपको रूल याद होना चाहिए ए टू द पावर एम टू द पावर एन, क्या होता है पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई, अगर एक और पावर लगा दे तो वो भी पावर मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करने वाला, माइनस टू अपॉन थ्री और सब पावर्स के ऊपर पावर्स है, तो क्या कर दूँ, टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, दो टाइम माइनस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर आने वाला है, अभी पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे की बात कर नहीं रहा हूँ, और पॉजिटिव और उसके बाद ये फोर, तो माइनस टू टू द पावर फोर, टू बाई थ्री टू द पावर फोर हो गया आंसर, ईजी था भाई ये तो, बहुत ही ईजी निकल गया ये तो, ठीक है ना। अब हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ने वाला है, और वो डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ने वाला है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब देखो बालकों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा भी लगाना पड़ेगा, तो रेडी रहना थोड़ा, है ना। फाइव टू द पावर एन प्लस फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू द पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n प्लस 3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n प्लस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत वाली बात आई गेस नहीं दिख रहा मुझे, ओके, ये तो क्वेश्चन ही था, इसमें क्या ही दिक्कत होएगा, है ना, ये तो क्वेश्चन ही था, ओके, ध्यान से सुनना। अब 10 को क्या लिख सकते हो, टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव लिख सकते हो,
और यहाँ पे तो कुछ खास करने को है नहीं, 5 to the power n + 4 है ऑलरेडी एज इट इज, मैंने लिख दिया। प्लस 25 का अगर फैक्टर 125 का फैक्टर निकालोगे तो 5 25 5 और 5 और 5 और 1, मतलब 5 का क्यूब आ रहा है, तो मैं इसको 5 का क्यूब लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power n + 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ भी खेल नहीं खेल सकते, 5 to the power n + 3। और मैं इसमें जरूर इंटरेस्टेड हूँ कि बेसिस सेम हैं, देन वी कैन सिंपली ऐड द पार्ट्स, वी कैन सिंपली ऐड द पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, हाँ माफ़ करना, मैंने इसी न्यूमरेटर को ही सॉल्व करने लगा था, अच्छा दिख गया। अभी 20 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो भैया 4 × 5 × 5 to the power n + 1। ओके, सो अब देखो बेसिस सब अलग अलग हैं, बेसिस इन दोनों में सेम है, इन दोनों के सेम है, यहाँ तो कुछ चक्कर ही नहीं बैठ रहा, यहाँ देखो जरा जो भी है जो है जैसे है, तो चलो जहाँ बेसिस सेम है वहाँ का तो काम करें, हमें भी नहीं पता। ओके, मल्टीप्लाइड, यहाँ पावर 1 है बेटा, है ना, तो 5 to the power n + 4 + 1 प्लस 5 to the power n + 2 + 3 अपॉन 5 n + 3, तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 × 5, यहाँ पे देखो पावर 1 है तो 5 यहाँ पे हम यहाँ पे पावर 1 है और ये n + 1 है, तो n + 1 + 1, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से 2 × 5 n + 5 आ चुका है, प्लस 5 to the power n + 5 यहाँ भी आ चुका है, क्या बात है। यहाँ पे ठीक है, थ्री मल्टीप्लाइड बाई 5 n + 3 यहाँ भी आ चुका है, एंड बालको यहाँ पे 4 × 5, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो 5 n + 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आई गेस नहीं होगा। तो यहाँ देखो बेसिस सेम है, यहाँ बेसिस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मतलब ये और टर्म और ये टर्म कॉमन है, ध्यान से देखना, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो इन दोनों में से निकाल लें क्या, तो सर निकाल लीजिए, n + 5 निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2 + 1 बचा है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे n + 3 है, यहाँ पे n + 2 है, तो इसको भी हम n + 2 के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 3 × 5 n + 2 × 5 to the power 1, ऐसा भी तो कर सकते एक्सपेक्ट, देखो घूमना फिरना थोड़ा सा, घूमने फिरने आना चाहिए आपको, n4 × 5 n + 2, अब देखो दोनों में हमें 5 n + 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों से निकालने वाले बाहर, तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में पहले से आ चुका बच्चा n + 5 and 2 + 1 / 5 n + 2, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 3 × 5 to the power, तो 15 बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा है +4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, नहीं होना भी नहीं चाहिए बालकों। तो अब हम देखो इन दोनों को हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंस दे आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ 5 n + 5 - n + 2, कोई दिक्कत वाली बात, और यहाँ पे 3/19 आ चुका है, ठीक है 3/19 आ चुका है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, या मैं यहीं पे करूँ, यहीं पे करना ज़्यादा सही रहेगा ताकि नेक्स्ट पेज पे जाके कन्फ्यूजन ना हो, यहीं कर लेते हैं, आइए स्पेस बना ली हमने, स्पेस में इसी स्पेस में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब देखो बच्चे 5 n + 5 - n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 n + 5 - n - 2, ओके मल्टीप्लाई बाई 3/19,
यहाँ से माइनस एन प्लस एन कट गया एंड 5 to the power यहाँ पे बचा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/19। इसको सॉल्व करोगे तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट्स मेक 375 एंड डिवाइडेड बाई 19। ये आपका फाइनल आंसर आया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक में? ये थोड़ा लेंदी जरूर था, मतलब हमने उसमें मेहनत किया, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बट कोई नहीं, वर्दी था, मज़ा आया बना के। क्या कहते हो? देखो भाई, हमने इसको एक्सपेंड किया, पहले तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड किया 2+1 में, और इसको एक्सपेंड किया 5 to the power 3 में, और इसको हमने लिखा 4 × 5। फिर उसके बाद हमने देखा भाई किसके साथ क्या कर सकते, बट फिर हमें देखा कि यहाँ पे हम कॉमन निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे कॉमन निकालने के लिए हमने इसको फिर n+2+1 के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। तो हमने n+2 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया अब, और हमने फिर इसको हमने ये यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में है, तो इन दोनों को साथ में हमने पार्ट्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रह गया था, और उसको सॉल्व करके हमारा पी दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है, आइए नेक्स्ट पेज में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, p-1 +100। देखिए इसमें पॉसिबिलिटीज खंगालना है, मुझे भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस चलिए शुरू करते हैं साथ में, चलिए प्रभु का नाम लीजिए, शुरू करते हैं। तो हमें p का वैल्यू निकालना है, ये p भैया कितना होगा, तो हमें जुगाड़ बैठाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या बैठाना पड़ेगा, जुगाड़। तो इन दोनों में से इसको हम 25 × 4 लिख सकते हैं क्या, आप एग्री करते हैं इससे क्या? तो करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना, बट इसको ऐसे लिखने का कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पी के फॉर्म है, तो इसको एक्सपेंड कर लेते पहले। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ चल जाइए, हो गया। तो इसको 5 का पावर 2 करेंगे, 25 को 5 का पावर 2 करेंगे, तो ये ऊपर पावर चला जाएगा, पावर के ऊपर पावर हो गया, तो मल्टीप्लाई में चला आएगा ये। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 का पावर 2 × 2 का पावर 2 लिख सकते हो, एज इट इज लिख के छोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो, तो ये ऑलरेडी सर उसी फॉर्म में 2p-1 के फॉर्म में, तो हम जरा इसको अंदर सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड ला के और इसको उस साइड भेज देते हैं। तो 5 का पावर 2p-2 - 5 का पावर 2p-1 = -5 का पावर 2 / 2 का पावर 2। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो अब देखो मतलब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, 5 का पावर 2p - 1 × 5 का पावर -1, दोनों साथ जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा, -5 का पावर 2p - 1 = -5 का पावर 2 × 2 का पावर 2। इसको फालतू ही अभी तोड़ लिया था, कोई बात नहीं, आपका मन हो तो आप ही तोड़ लो, नहीं मन हो तो नहीं तोड़ो। अब इन दोनों में ये टर्म देखो कॉमन है, तो 5 का पावर 2p - 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, 5 का पावर -1 एंड -1 ये बचा है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हिम्मत करिए सॉल्व करते हैं, हिम्मत तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये 1/5 - 1 हो जाएगा, ये 5 to the power 2p - 1 है, चलिए आइए
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी खास किया नहीं है। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 बाई 5 हो जाएगा। सॉल्व कर पाओगे आई गेस, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं। सॉल्व कर लेना यार, थोड़ा स्पेस भी कम हो रहा है, मैं डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। 5 2 p - 1 इज इक्वल्स टू 2 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, भेज देते उस साइड, जो होगा होगा, माइनस वाले सब भेज देते, 2 p - 1। यहाँ पे 5 to the power -5 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2, ऊपर में आएगा 5, नीचे में आएगा 4, और यहाँ पे हमारा काम सेट हो चुका है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 ही तो होता है, 4 से 4 काट दिया। 2 p - 1 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे पावर 1 है बच्चा, और माइनस 1 ऑलरेडी बाहर है तो माइनस को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बेस जो है, बेस जो है क्या है यहाँ पे, ये माइनस में है। अच्छा, इसका भी माइनस आया था ना, ये माइनस देखो यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस करेगा भाई, तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तब हमारा बेस देखो 5 है और ये 1 है, तो 2 + 1, तो 5 2 p - 1 इज इक्वल्स टू 5 to the power 3। ना बेसिज आर सेम, वी कैन कंपेयर द पावर, सिंस बेसिज आर सेम वी कैन कंपेयर द पावर। ओके, सो 5, तो 2 p - 1 इक्वल्स टू 3, तो 2 p = 3 + 1, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/2, तो इसको काटोगे तो p इक्वल्स टू बच्चा कितना आ गया आपका, p इक्वल्स टू 2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, उम्मीद करता हूँ ना हो दिक्कत, और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए भैया, जाओ।